स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाने वाले हैं भाई 200 तक। भाई ये गाड़ी भी अपनी एकदम आराम से जाएगी, मतलब बिना किसी दिक्कत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज की वीडियो में है अपने पास स्कोडा स्लाविया 1.0 क्लासिक, मतलब स्लाविया का बेस वेरिएंट। भाई इसके बेस वेरिएंट में भी इतना कुछ दिया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इसका बेस वेरिएंट है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं। तो एक बार आप पूरी वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं इतना ज्यादा इसकी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ। भाई सबसे पहले हम बात करें कार में की की, तो इसमें आपको कुछ इस तरह की देखो की मिलती है, फ्लिप की है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनिंग के लिए मिल जाता है। कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं, दोनों की दोनों आपको इसमें ये फ्लिप की ही ऑफर की गई है, वरना बाकी के जो ब्रांड होते हैं एक फ्लिप की दे दिया एक नॉर्मल दे दिया, इसमें आपको दोनों ही चाबियां फ्लिप की ऑफर की गई हैं। उसके बाद स्ट्रेट अवे बात करते हैं भाई कार में एक बार हम इसके इंजन की, जिसके लिए जर्मन कार फेमस होती हैं अपने रौबदार इंजन और भाई बिल्ड क्वालिटी के लिए। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली अपनी स्कोडा स्लाविया 1.0 क्लासिक TSI, इसमें भाई आपको मिलता है 999 cc का पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब मोटा मोटा 115 bhp के साथ 180 nm का टॉर्क आपको इसमें मिलने वाला है। बंद करते हैं भाई इसके बोनट को, तो ये देखो इसका बोनट बंद हो चुका है। तो बात करते हैं भाई कार में फ्रंट से, तो फ्रंट में भाई आपको इसके सबसे पहले बात करें हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प आपको इसमें देखो ये प्योर हैलोजन में ही मिलने वाले, इंडिकेटर आपको हैलोजन में मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम दोनों ही चीजें आपको येलो लाइट मतलब हैलोजन में ही देखने के लिए मिलने वाली है, कोई भी फॉग लैंप्स ऑफर नहीं किए हैं। ग्रिल की बात करें तो कुछ ये वर्टिकल डिजाइन में इसकी ग्रिल है और यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम फिनिश आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आगे आपको बोनट में मिलेगा स्कोडा का लोगो, और एक बार गाड़ी का बॉडी लाइन देखो, मतलब एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बढ़िया इसी बॉडी लाइन को मेंटेन किया गया है। कुछ इस टाइप से भाई कार अपनी फ्रंट से। उसके बाद हम चलते हैं एक बार कार के साइड प्रोफाइल की तरफ, देखो साइड से कार कितनी ज़्यादा लंबी है, देख रहे हो इतनी लंबी गाड़ी है, जिसका शोरूम प्राइस है सिर्फ 10.69 लाख, मतलब देख रहे हो 12 लाख रुपये के आसपास में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। अब जो आ रही भाई वरना है, वरना तो पर्सनली मेरे पास तो ओल्ड जनरेशन वाली है 2021, पर मुझे नई वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं, एकदम ट्यूबलाइट जैसी लगती है। पर हाँ अब मार्केट में अगर कोई है सेडान के मामले में स्लाविया है वोल्टास है, यही दो है। तो साइड में बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे एक जो मुझे खास चीज़ लगी है, बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे फेंडर को छेद के इंडिकेटर नहीं दिया गया है, ORPM पे ही आपको LED में इंडिकेटर देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें व्हील्स की, तो व्हील्स भाई आपको स्टील रिम्स ही ऑफर किए गए हैं, जिनकी टायर प्रोफाइल है 195/65R15 15 इंच के, इसमें आपको स्टील व्हील्स ऑफर किए गए हैं। एंड अगेन साइड में एक बार आप देखो इसकी बॉडी लाइन क्या गजब की, यहाँ से चलती हुई पूरी इस टाइप से आई हुई है, ठीक है। तो ये भाई अपनी कार साइड से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो पिलर्स हैं ये इसके मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल जाएंगे, और उसके अलावा रूफ में बात करें तो कोई भी रूफ रेल या कुछ ऑफर नहीं किया गया है, पर हाँ आपको एंटीना यहाँ पे नॉर्मल से ऑफर कर दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से भाई अपनी कार साइड से। चलते हैं भाई कार के रियर लुक पे, तो रियर से अगर आप देखोगे तो रियर में भाई इसमें हर चीज़, जैसे ये इसकी लाइट है तो ये LED में ही ऑफर की गई है, पर हाँ इसका जो इंडिकेटर है ये आपको हैलोजन बल्ब ऑफर कर दिया जाता है। तो रियर से बात करें तो भाई रियर में इसमें आपको देखो डिफॉगर ऑफर किया गया है, बेस वेरिएंट है याद रखना, डिफॉगर आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्लाविया की बैजिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ 1, 2 और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं, कैमरा नहीं मिलता है पर हाँ आपको सेंसर्स ऑफर कर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे एक और ये रहा अपना दूसरा रिफ्लेक्टर, दो रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और चीज़ भाई आपको इसमें काफ़ी कमाल की लगेगी, देखना वन टच करूँगा, ये देखो देखा अपने आप इसका बूट खुल गया, इसमें आपको मिलेगा 451 लीटर का बूट स्पेस, अंदर कोई भी लाइट ऑफर नहीं की गई है, पर हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें एकदम एक्सपोज पड़ी हुई हैं, इन्हें थोड़ा छुपाया जा सकता था, बेटर हो सकता था, पर ठीक है कोई ना। कोई भी 60-40 स्प्लिट सीट का आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, पर हाँ देखो जो इसका बूट डोर है इसे यहाँ पे आराम से एकदम फाइबर वगैरह लगा के सही से बना दिया गया है। तो बंद करते हैं भाई इसके बूट डोर को। तो ये है भाई अपनी कार बाहर से। अब चलते हैं एक बार हम कार के अंदर। कार में आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया गया है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ख्याल रखा गया है ना कि बेस वेरियंट ही है। ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपनिंग डोर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा फिर हम आए कार के अंदर, तो देखो इसमें आपको कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, पर हाँ यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाने वाला है, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का ही यूज मिलेगा। यहाँ पे जो इसका डोर हैंडल है ये भी आपको देखो मैट फिनिश में मिल जाएगा, ब्लैक कलर में। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। तो बंद करते हैं भाई इसके डोर को। उसके अलावा फिर आपको यहाँ मिल जाएंगी भाई सारी की सारी पावर विंडोज। बंद कर देते हैं एक बार हम इसके हैजार्ड लैंप्स को यहाँ से कुछ इस तरह से, और फिर आप देखो भाई एक बार कार में कार का एम्बियंस कैसा है, ठीक है। आपको फील नहीं होगा कि ये बेस वेरिएंट है भाई इस गाड़ी का, स्टार्टिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाने वाली है, समझ रहे हो।
तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कोडा का लोगो इसकी स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाने वाले भाई। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे किस तरह का है, देख रहे हो जैसे बाकी में ऐसे बटन टाइप की होती है ना, इसमें ऐसे राउंड शेप का दिया हो गया है, तो यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। उसके सिवा यहाँ पे भी आपको सेम टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने MID को कंट्रोल कर सकते हो। पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है भाई। मतलब भाई अगर आपके पास बेस वेरिएंट लेने के ही पैसे हैं ना, तो एक VIP की जो चॉइस होती है, एक VIP मतलब सेडान जो है, ये थोड़ा सा ढंग के लोग लेके चलते हैं, कॉलेज वॉलेज वाले लड़के हो गए जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग हैं वो लेके चलते हैं। SUV तो अपने भोकाल के लिए फेमस होती है। उसके अलावा AC वेंट्स आप देखो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का काम देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश। और साथ ही साथ यहाँ पे मीटर के ऊपर भी आपको ये हल्की हल्की से देखो साइड में पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो भाई पियानो ब्लैक का काम है, तो पियानो ब्लैक का इसमें ठीक ठाक यूज किया गया है ताकि गाड़ी अंदर से थोड़ा सा बेसिक भी ना लगे और प्रीमियमनेस बरकरार रहे। यहाँ पे आपको इसका सनवाइजर देखने के लिए मिल जाएगा, टिकट होल्डर मिल जाएगा, पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है, पर इस साइड पे वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, ठीक है। सनग्लास होल्डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें इसके हम लाइट्स की, तो ये भी देखो आपको LED में ही देखने के लिए मिलती है, आगे भी और रियर में भी भाई देखो इसमें लाइट दी गई है। तो ऑफ कर देते हैं भाई इसकी लाइट्स को, उसके अलावा फिर हम लगाते हैं कार में एक बार अपनी चाबी को। तो इस तरह से अपनी फ्लिप की को निकालेंगे, ये रहा भाई अपने कार का कुछ वेलकमिंग फंक्शन। प्लीज रिफ्यूल, रेंज भाई 20 किलोमीटर की बची है, 240 तक की मार्किंग है, बाकी आप लोगों को तो पता ही है ना ये जर्मन इंजन क्या तगड़े होते हैं भागने के मामले में। 200 तक भाई ये गाड़ी भी अपनी एकदम आराम से जाएगी, मतलब बिना किसी दिक्कत। देखो कार भी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, 1000 RPM पे आपको दिख जाएगा, और जब कार स्टार्ट होती है तभी इसकी आपको टच स्क्रीन ऑन होती हुई नजर आ जाएगी। जैसे हम कार को ऑफ करेंगे ये देखो, तो इसकी टच स्क्रीन, द कार्स बैटरी इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, सिस्टम इज शटिंग डाउन। भैया सिस्टम शट डाउन ही हो जाओ, बाद में धक्का उक्का ना लगाना पड़ जाए शोरूम वालों को बेचारों को, ठीक है। तो इसमें आपको भाई ये जो IRVM मिलता है ये भी डे नाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, ग्लब बॉक्स मिल जाएगा, कोई कूल नहीं है, पर देखो ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाएगा, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा, और इसमें रिवर्स लगाने के लिए ऐसे आपको उठा के नहीं, इसे कुछ इस तरह से आप ऐसे नीचे प्रेस करके और फिर ऐसे अपना रिवर्स लगा सकते हो। AC कंट्रोल्स देखें तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मैनुअल ही देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाने वाला है। और साथ ही साथ भाई इसमें जो ड्राइवर सीट है ये आपको 6-way एडजस्टेबल मिल जाएगी, मतलब यहाँ से आप अपनी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे टिल्ट होता है वो कर सकते हैं। वहीं को ड्राइवर साइड की जो अपनी सीट है ये आपको 4-way एडजस्टेबल ही मिलती है, मतलब इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। बात करें भाई इस कार में स्पीकर्स की, तो एक ट्वीटर यहाँ, एक ट्वीटर वहाँ, एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ, और सेम ऐसे पीछे ही, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, तो गाना वाना सुनने के लिए भी आपको कुछ बाहर से कराने की जरूरत नहीं। एक चीज जो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी है, देखो यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर साइड भी, बाकी ब्रांड ड्राइवर साइड से हटा लेते हैं, पर कॉस्ट कटिंग के नाम पे स्कोडा कुछ भी नहीं करता। एक कॉस्ट कटिंग, दूसरा अपनी सेफ्टी, तीसरा इंजन, हर चीज है भाई जर्मन कार्स का जवाब ही नहीं है। और हर चीज जो इनकी थोड़ी सी उल्टी रहती है वो ठीक है, बाकी गाड़ियों में आपको इधर साइड इंडिकेटर मिलता है और उस साइड से वाइपर का मिलता है, पर इसमें आपको यहाँ पे वाइपर का मिलने वाला है और उल्टे साइड पे आपको इंडिकेटर और इसकी ये हेडलैम्प कंट्रोल करने के लिए मिलने वाला है। उसके अलावा जो बाकी गाड़ियों में ऐसे आप साइड से घुमा के ऑन करते हैं, इसमें अगर आपको ऑन करना है अपने हेडलाइट को तो आप यहाँ से कुछ इस टाइप से ऑन कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूँ भाई, इसमें जो पावर विंडो के कंट्रोल से ये इसमें एलिमिनेटेड है, मतलब कि इसके अंदर आपको लाइट्स देखने के लिए मिलने वाली हैं। बाकी मैंने कई गाड़ियां देखी बहुत अच्छी अच्छी, उसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल एलिमिनेटेड नहीं मिलते हैं। तो ये थी भाई अपनी कार फ्रंट से, एक बार चल लेते हैं भाई हम कार के रियर पे। तो आ गए भाई हम कार के रियर पे। रियर पे अगर हम बात करें सबसे पहले डोर की, तो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे बीज कॉम्बिनेशन में आपको इसका डोर देखने के लिए मिलने वाला है। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, पर हाँ बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया गया, पर 3 हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं, 1, 2, 3, जिसमें कि 2 तो अपने एडजस्टेबल है और तीसरा भी अपना एडजस्टेबल ही है। मतलब स्कोडा वाले कहते हैं कि गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं मिलता है बीच में, तो मतलब अगर 3 लोग बैठते हैं, एडल्ट भी बैठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इतना सा हम्प है। बाकी भाई बात करें कंफर्ट की, तो इसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट, लेग रूम, हर चीज अच्छा खासा मिलने वाला है। सेडान है उसके बावजूद हेड रूम एक बार आप देख लो रियर में भी कितनी है, पर हाँ अगर जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास होगी उसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये भाई अपनी कार रियर से।
तो रियर में आपको कुछ और खास देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। हाँ, नॉर्मली जो हर गाड़ियों में होता है कि अपना पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए, साथ ही में कुछ गाड़ियों में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, पर इसमें आपको वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला। पर हाँ, जो भाई गाड़ी को चलाने वाला है उसके लिए सारी सुविधाएं स्कोडा ने दे रखी हैं। ठीक है, तो ये थी भाई अपनी कार रियर से। उसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूल लिड, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई इसकी 45 लीटर, तो आप एक बार में इसमें 45 लीटर पेट्रोल डाल सकते हैं। तो कुछ यही है भाई अपनी स्कोडा स्लाविया 1.0 क्लासिक, मतलब जो है अपनी स्कोडा स्लाविया का बेस वेरिएंट। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।